आपका प्लेयर बेस्ट कौन फुटबॉल? रोनाल्डो। मेसी तो नहीं? ओह नो। रांझा तो नहीं? रांझे का पता है कौन? मेसी सिर्फ रोनाल्डो। रांझा मेसी रोनाल्डो से भी बहुत बड़ा फुटबॉलर, उसका नहीं पता आपको? ओह नो। नाम तो सुना होगा। नहीं, कुछ कर रहे होंगे, बीए कर रहे होंगे, एमए कर रहे होंगे, एमएससी कर रहे हूं, एसीसीए कर रहे हैं, अकाउंटेंट बनना चाहते हैं आप? ओह नो। पर अदाएं तो आपकी मैकेनिक वाली लग रही है। मौलवियों का दिल होता है खुल के बताए ना, खुल के बताए। बहुत अच्छी बात की है जी, मौलवी भी एक इंसान है, उसका भी दिल चाहता है। अब जैसे कुत्ते को पत्थर मारते हैं तो हसी काश के साहिल पे हमारा घर हो। जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले, सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया ये टूटे दिल का जहां। अस्सलाम वालेकुम जी, द रांझा शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तबस्सुम रियाज़ रांझा, और आज मैं मौजूद हूं जैस्मीन एंड रोज़ गार्डन में, और यहां पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत घूम फिर रहे हैं, मैं भी ज़रा घूमने फिरने आ गया हूं, और ये आपको खूबसूरती में बल्कि ये कुछ बच्चियाँ आपस में गप शप कर रही हैं। ठीक है, अभी तो मैं इंट्रो ही दे रहा था तो मुझे बच्चियाँ कुछ नज़र आ गई जो आपस में बातचीत कर रही हैं। आप क्यों कर रही हैं, मैं भी चल के इनके साथ बात करता हूँ। आए, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप सब यहाँ बैठ के इतनी ठंड में क्या करें? ठंड तो बिल्कुल भी नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ पे ठंड कहाँ है। आपको गर्मी लग रही है? बिल्कुल नहीं, गर्मी नहीं लग रही, लेकिन मौसम अच्छा है, बस एंजॉय कर रहे हैं मौसम। आप इंजॉय तो नहीं कर रही, आप तो चारों बैठ के किसी के गिले शिकवे कर रही हैं। पांचवीं दोस्त? ओह नो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम सोच रहे हैं कि हम जाएं बस, अब हम काफी देर से आए हैं और हमने काफी घूम लिया है, मजा आया। और आप वैसे पढ़ती हैं? जी मैं पढ़ती हूँ। थ्री क्लास में? मैं थर्ड सेमेस्टर में हूँ। थ्री क्लास के? ओह नो। बीएस इंग्लिश के? ये बीएस इंग्लिश कर रही हैं, और इनके साथ जो बैठी हुई हैं ये मुझे कम से कम सेकंड ईयर की लग रही हैं। नहीं तो आप नहीं पढ़ती? ओह नो। पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास में? मैं अभी नाइन्थ में गई हूँ। ये अभी नाइन्थ में गई हैं। आए आगे चलते हैं, और मेरे अंदाजे के मुताबिक आप दोनों बहनें सही पहचाना। और अब ये जो आखिर वाली गुड़िया है, इनका आपको मैं अगर इंट्रो करवाऊं, पहले तो सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? इंशरा। क्या नाम है? इंशरा। इंशरा जी। और इंशरा का मतलब क्या होता है? खुले दिल वाली। खुले दिल वाली। अच्छा मुझे ये बताएं आपकी हाइट कितनी है? 4 feet 8 inches आपकी हाइट है। तो ये आपकी जो दोस्ती हैं, ये आपको तंग तो नहीं करती? नहीं। खुश होती हैं? जी। और आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में वैसे घूमने फिरने जाती हैं? नहीं, पढ़ाई करने। बीएस थर्ड सेमेस्टर? नहीं, फोर्थ। स्टार्ट अभी होने वाला है। बीएस स्टार्ट होने वाला है जी। तो आप बड़ी होकर क्या बनना चाहती हैं पूछ लें, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। बिजनेस वूमन बनना चाहती हूं। अमीर होना चाहती हूं। गरीबों का ख्याल रखेंगी अमीर होने के बाद? ऑब्वियसली रखूंगी। आपकी ये जो ये दोस्त है ना, ये आपको बहुत तंग करती है मेरे अंदाजे में। जी सही कह रहे हैं। ओह नो। देखिए जी, ये सारी बातें तो मुझे पता थी, और ये बहुत अच्छे बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं हम लोग एंजॉय करने आए। आए आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी इस वक्त मेरे साथ एक और बच्चा मौजूद है जो पिशावर जलमी का है, और ये है जलमी का, और इसने पकड़ा हुआ ये बैडमिंटन है। ये बच्चों के साथ आ गया तो बच्चे जीत कर रहे थे, चले चलो चलो, मैं खुद फुटबॉलर हूँ मगर मैं बस इसके साथ खेल रहा हूँ। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि ये रैकेट है, बैडमिंटन है, हॉकी है, बैट है,
बैडमिंटन बैडमिंटन है। अभी बारिश नहीं आई, कितने घंटों बाद बारिश आएगी? ये तो पता नहीं है। ये पता नहीं, दूसरा जवाब है बिल्कुल ठीक हो गया। बड़े होके क्या बनना चाहते? मैंने बनना है फुटबॉलर। फुटबॉलर बनना चाहते? जी। आर्मी में फुटबॉलर बनना चाहते हो? फुटबॉल अलग चीज़ है, आर्मी अलग चीज़ है। नहीं, आर्मी में स्पोर्ट्स विंग होता है ना, वहाँ फुटबॉल खेलना चाहते हो? और आपका प्लेयर बेस्ट कौन है फुटबॉल? रोनाल्डो। रोनाल्डो? मेसी तो नहीं है? नो। रांझा तो नहीं है? रांझे का पता है कौन? मैं सिर्फ रोनाल्डो को। रांझा मेसी रोनाल्डो से भी बहुत बड़ा फुटबॉलर, उसका नहीं पता आपको? नाम तो सुना होगा, पहचानते हो? आखिरी बार वो पाकिस्तान कब आया था? दो साल पहले आया था। oh, no! दो साल पहले आया था, खुद ही कह रहे हैं ना, मैं जानता हूँ। उसने एक बॉल के ऊपर 6 छक्के मारे थे। 6 छक्के के साथ यूं करके, यूं करके और यूं करके। इधर और आंटियाँ भी मौजूद हैं जी, आए आंटियों से बात करते हैं और पूछते हैं कि इतने खूबसूरत मौसम में यहाँ पे क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आज खैर थी जो इधर आई घूमने फिरने के लिए? oh, no! ये कैसर से आप सिर्फ कैसर से इधर घूमने के लिए आई? हाँ जी। तो कैसा लगा आपको इस्लामाबाद? ठीक है, अच्छा लगा। मरी गए थे पहले, मरी से फिर इधर आए। पहले आप मरी गई, मरी आपको अच्छा लगा? मरी भी अच्छा लगा और ये भी खूबसूरत है, अच्छा मौसम भी आज ठीक था। और बच्चों के साथ आई हुई हैं? बच्चे इधर हैं, ये बच्चे हैं इधर। तो स्कूल तो खुल गए, बच्चों को आपने स्कूल भेजना था कि वो पढ़ते? खुले हैं, वो 10 क्लास में है, उसको नहीं खुले अभी स्कूल। और अगले 6 साल खुलने भी नहीं? oh, no! ऐसा ही है। आप खुश हैं स्कूल बंद रहे तो? नहीं, क्यों खुश हैं, बच्चों का सारा मुस्तकबिल खराब हो रहा है। कभी आप बच्चों से पूछें कि वो कितने खुश हैं स्कूल बंद तो होते हैं बच्चे, तो फिर बच्चे जो हैं, बच्चों के तो हर बात ऐसी होती है, खेलने कूदने में मसरूफ होते हैं, खुश होते हैं। आप इस्लामाबाद की जब आप कितने दिन हो गए आई हुई? हम आज ही आए। आप आज ही आए हैं और आज आप मरी भी गईं, मरी से वापस भी आ गई, पेशावर से भी घूम फिर के आप सारा कुछ करके अभी तक यहाँ इस्लामाबाद पहुँच गए, ऐसा ही? oh, no! नहीं, पेशावर से नहीं गई हैं बस। तो आप यहाँ से मरी गईं, उस टाइम 10 बजे थे, मैंने देखा था आपको, मैं भी मरी था। oh, 10 no! बजे मैंने आपको देखा था, आप मरी में थी, 10 से 1 बजे तक आप वहाँ थी, उसके बाद वहाँ से आप बैठी इस्लामाबाद आ गई, ऐसा ही है? जिधर मैं गलत हूँ मुझे बताएं। नहीं, ये गलत है। असल क्या है? ये आंटी बहुत अच्छी है जी। और ये किधर से आई थी? स्कैसर से, कहीं से आई है? वादिये से आई है, वादिये स्कैसर से आई है। इस्लामाबाद घूमा, मरी घूमा और अब ये पता नहीं उधर नारान कागान की तरफ जा रही है और शायद आधे घंटे बाद पैदल ही नारान कागान पहुंच जाए। आई जी, आगे चलते। ये एक अंकल मैं आपको दिखाता चलूं, ये एक ही जगह खड़े हो के वर्दिश कर रहे हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। आई इनके साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ। इधर खैर खैरियत से आए थे? जी मैं तो रोजाना वॉक के लिए आता हूँ। आपकी मैं वॉक बड़ी देर से देख रहा था कि आप एक ही जगह खड़े होके वॉक कर रहे थे। वॉक बंदा करता है आगे जाता है, आप एक ही जगह खड़े होके, इससे क्या ज़्यादा अच्छा लगता है इंसान को? वॉक तो मैं कर चुका हूँ 45 मिनट की। गुड। ये वैसे उसकी टांगों की वो एक्सरसाइज है। और एक बार आप किस तरह कर रहे थे? और इस तरह मैं भी कर सकता हूँ? जी क्यों नहीं कर सकते, या सिर्फ आप ही कर सकते हैं? नहीं नहीं, हर बंदा कर सकते हैं। बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? बड़े हो गए, बने कुछ नहीं, नहीं बनना चाहते भी नहीं, नहीं। मेरी तरह बन जाए। वो ये बात अच्छी है जी। आए जी, आगे चलते जी। ये इस वक्त एक और बच्चा बहुत तेजी से व्हाट्सएप के ऊपर रिकॉर्डिंग इतनी तेजी से भेजता है और मैं कहूंगा कि ये इस्लामाबाद का सबसे ज्यादा बैठे मैं भी बैठ रहा हूँ। ये इस्लामाबाद का वो बच्चा है जो सबसे तेजी से व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग भेजता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अनीस। और कितने साल से ये इतनी तेजी से व्हाट्सएप के ऊपर रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं? जब से बड़ा हूँ। कितने? कोई 150-100 साल हो चुके? 3 साल हो गए। 3 सालों से व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं। अभी आखिरी रिकॉर्डिंग आपने किसे भेजी? मुझे पता है आपने किसे भेजी, झूठ नहीं बोल। दोस्त को। दोस्त का नाम? आसिम। क्या नाम है? आसिम। आसफा तो नहीं है? आसफा नहीं है। नहीं नहीं। व्हाट्सएप का शौक है? हाँ, शौक। मैसेंजर का शौक नहीं है? नहीं नहीं। पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में? मैं अभी 15 ही रही। किस में? 15वीं क्लास में। 15वीं क्लास में? 15वीं क्लास कौन सी होती है? oh, no! नहीं, कुछ कर रहे होंगे, बीए कर रहे होंगे, एमए कर रहे होंगे, एमएस एसीसीए कर रहे हूं। एसीसीए कर रहे हैं, अकाउंटेंट बनना चाहते हैं आप? oh, no! पर अदाएं तो आपकी मैकेनिक वाली लग रही है।
मैकेनिक एसीसीए इन मैकेनिक तो नहीं कर रहे? नहीं, 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 बड़े होके क्या बनना चाहते? वही जो अकाउंटेंट बनना है। और अगर एसीसीए ना हुआ फिर क्या बनेंगे? बाप बन जाऊंगा। बाप क्या बनेंगे? बाप बाप बनेंगे। तो फिर वो ठीक मैंने पहचाना था ना कि वो आसवा ही थी। ये बहुत अच्छा बच्चा है जी। आए जी आगे चलते हैं। ये एक मौलवी साहब हमारे साथ है और ये मौलवी साहब इधर निकाह के लिए आए हुए हैं कि मुझे कोई परदेसी मिल जाए मैं उसका निकाह पढ़ा दूं। अपने ये पिछले 50 सालों से कुआरे हैं, अपने लिए मिल नहीं रही, हमारे लिए ये यहाँ। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। मौलवी साहब खैर खरियत है? इधर इतने खूबसूरत लोगों में आपका क्या काम? बस एंजॉय करना। एंजॉय मौलवी एंजॉय करेंगे तो फिर हम तो किसी खाते में ना गए। oh, no. तभी तो ये मुल्क नीचे से नीचे जाए जाए। मौलवी साहब आपको तो उधर होना चाहिए। मौलवियों का दिल होता है खुल के बताए ना, खुल के मौलवियों के हाथ पांव नहीं है फिर होने फिरेंगे। इन्होंने बहुत अच्छी बात की है जी। मौलवी भी एक इंसान है, उसका भी दिल चाहता है। अच्छा यहाँ क्या आपको कैसा लग रहा है लोग देख के, ये खूबसूरत नज़ारे देख के? बहुत अच्छा लग रहा है, दिल खुश हो रहा है, जवान हो रहा है। बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? आलिम बन रहा हूँ इंशाल्लाह, आगे खतीब बनूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आलिम बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? आलिम बन रहे हैं। आलिम बन रहे हैं और बनना क्या चाहते हैं? खतीब बनना चाहते हैं, मदरस बनना चाहते हैं। हाँ ये सारा कुछ बनना चाहते हैं। और अभी इस वक्त ये इस पार्क में बहुत खूबसूरती से लोगों को देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। oh, no. इन जैसे लोगों की तरह जवान बने, एक अपने जैसे मौलवियों को एक पैगाम दें कि जो लोग पार्कों में नहीं आते मौलवी हजरात वो भी आएं उधर देख के पैगाम दें। पार्कों में क्या करें? तो फिर आप इधर क्या वो इतने क्या बनाने हैं? वैसे आए हैं ना? नहीं वैसे ही आए ना, तो अपनी तरह के जो आपके दोस्त हैं वही आएगा ना। मैं बता दूं उधर देख के पैगाम दें कि जो मेरे दोस्त घर में बैठे हैं इतना खूबसूरत मौसम है पार्क में आए उधर देख। जो घर बैठे हैं मौलवी हजरात उनके एक दुनिया के सारे काम छोड़ के पार्क में आए, पार्क में आए मस्जिद में नमाज पढ़ने गए। पार्क में आके मस्जिद में नमाज पढ़ने गए? पार्क में आए और बाद में जब नमाज का वक्त मस्जिद में गए। आप किधर जाने लगे? नमाज का वक्त होगा तो नमाज पढ़ने जाएंगे। इजाजत है। वालेकुम सलाम। ये बहुत अच्छा बच्चा था जी। और ये भी इधर घूमने आए हुए, आए और लोगों से बात करते। ये जी दो बच्चे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इसका नाम अबीर है, इसका नाम मैं भूल गया हूँ क्या नाम है, इसका नाम हुज़ैफ़ा है। और ये हुज़ैफ़ा इधर क्रिकेट खेल रहे थे, इनसे मैंने बैठ लिया, मैंने क्रिकेट खेली बहुत अच्छा लगा। पहले ये बताएं यहाँ क्या आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। किसके साथ आए? घर वालों के साथ आए। तो इतना खूबसूरत मौसम था, तिक्के खाने थे, मटन खाना था, इधर क्यों आ गए? पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? और अब तो पेपर होने वाले हैं। हमारे हो गए। एक पास हो गए? जी। कितने नंबर आए? फर्स्ट ही आई थी। एक ही नंबर आए? नंबर नहीं आया, कब के हो गए? बहुत पहले, 200-300 साल पहले हो गए। जिनके साथ एक छोटा सा और, दोनों भाई हो? दोनों भाई नहीं है, दोनों कजन है। दोनों कजन है जी। ये छोटा अबीर है। और अबीर आप उसमें पढ़ते हो? और 3 के पेपर हो गए? पास हो गए? नंबर तो याद नहीं है। गुड। मुझे वो बच्चे हमेशा अच्छे लगते हैं जो कहते हैं हम पास हो गए पर हमें नंबर याद नहीं, क्योंकि उनके भी मेरी तरह थोड़े नंबर होते हैं। आए जी आगे चलते। ये इस वक्त मेरे साथ 3 दोस्त मौजूद हैं, बहुत गहरे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं। यहाँ आके इन्होंने पता नहीं कितनी सेल्फियाँ ले ली हैं। आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे ये बताएं आज इतना खूबसूरत मौसम है, खैर खैरियत थी, घर पे सेल्फी नहीं निकल रही थी जो इधर निकालने आए? ओह नो। उधर हो जा फिर, नहीं बोलना बीच में। अब बता। बस इधर का माहौल अच्छा है इसलिए इधर आए। माहौल क्या होता है? मतलब कि सब्जा वगैरह काफी चीजें। सब्जा तो उधर सामने वाले जंगल में भी बहुत है। जंगल में क्यों नहीं गया? मोबाइल का रिजल्ट अच्छा नहीं आता। इधर अच्छा हो रहा था। ये कह रहे जी मैं जंगल में इसलिए नहीं गया था कि वहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं आता। और इसके दो दोस्त हैं। और किधर से आए? डोकालाहान से, पिंडी से। पिंडी से आए ये लोग यहाँ घूमने के लिए। ये बताएं ईद के ऊपर बारबेक्यू वगैरह किया था? जी किया था। तो फिर आज क्यों नहीं किया? कितना खूबसूरत मौसम था। रात को करेंगे ना, रात को मजा आता है। मज़ा रात को आता है। और ये टाइम सेल्फी टाइम है जी। कितने से कितने बजे तक? तकरीबन 4 से 6 तक।
हर रोज जी। पूरी कौम सुन ले जी, सारी दुनिया अनपढ़ है, पूरी दुनिया अनपढ़ है, किसी को ये नहीं पता कि सेल्फी का टाइम कौन सा होता है। और आपने क्या नाम बताया था अपना? तलहा सरफराज। तलहा सरफराज, और सरफराज कभी धोखा नहीं देगा। तलहा सरफराज ने कहा जी 4 बजे से लेके 6 बजे तक हर रोज आप सेल्फी लें, सवाब भी मिलेगा, मजा भी आएगा। बहुत अच्छा बच्चा है जी, आए जी आगे चलते जी। इस वक्त मैं आपकी जिनसे मुलाकात करवाने जा रहा हूँ उनका नाम है मरियम, और मरियम इतनी टैलेंटेड है कि वो परिंदों की आवाज़ें निकालती हैं, जानवरों की आवाज़ें निकालती हैं, और असली जानवर भी इतनी खूबसूरत आवाज़ें नहीं निकालता जितनी ये निकालती हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपके अंदर इतना ज्यादा टैलेंट कहाँ से आ गया? ओह नो, ये तो मुझे नहीं पता, अल्लाह की तरफ से दी हुई चीज है, ये तो मैंने कहा लोगों को बताना चाहिए। आप ये जो परिंदों और जानवरों की आवाज़ें निकालती हैं कितने अरसे से निकाल रहे हैं? ये स्कूल में मैंने ट्राई किया था, फिर मुझे बाद में पता चला कि ये टैलेंट अल्लाह ने मुझे दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब इनसे पूरा टैलेंट सुनते हैं जी। अब जैसे कुत्ते को पत्थर मारते हैं क्या बात है जी, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, आपने इतनी एक बार दोबारा कोयल की जो आवाज है वो एक बार फिर सुना दें। क्या बात है जी, और ये आवाज थी oh no! मेरे से तो नहीं निकलती। आए आगे भी चलते हैं फिर। इस वक्त और 3 खूबसूरत बच्चे बैठे हुए और ये भी मोबाइल के बहुत ज्यादा शौकीन लग रहे हैं मुझे, और व्हाट्सएप ये बच्चा चला रहा है, और आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपका? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मेरे अंदाजे के मुताबिक आप दोनों भाई? जी जी बिल्कुल सही अंदाजा, बिल्कुल सही पहचाना मैंने। 100 रुपया मेरा हो गया। हो गया जी, आगे चलते हैं। आपसे सवाल करूँ तो पैसे देते जाएंगे? मैं सवाल करूँगा, आपने करने आप करें। आपके पास पैसे काफी? ठीक है, बस इतने भी नहीं है। 1.5-2 हज़ार के अंदर कंप्लीट हो जाएगा प्रोग्राम। चले। तो आज इतना खूबसूरत मौसम है, लोग बारबेक्यू कर रहे हैं, लोग बाहर शॉपिंग कर रहे हैं, लोग बाहर गाड़ियों में घूम रहे हैं, आप इधर तन्हा अपना मोबाइल लेके सनम के साथ लगे हुए हैं। बरसात के दिन आए। नहीं नहीं, किसी सनम के साथ नहीं लगे हुए, वैसे बस घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए। मौसम अच्छा था, हमने कहा चलो घूमते फिरते ना, एक जगह बैठ के आराम से पूछ रहे हैं तुम कहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, कोई तुम सुनाओ कुछ मैं सुनाऊँ। नहीं नहीं, अभी आए, अभी यहाँ पे बैठे हैं बस, क्योंकि घूमने फिरने लगे थे, वैसे मतलब बुला रहे थे आपको। ये बड़ा भाई है जी, और इनका जो छोटा भाई है, अब इनके पास चलते हैं, इनके साथ बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फरुख सती। सती, मुझे ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं फर्स्ट ईयर में। मैट्रिक में कितने नंबर आए थे आपके? मैट्रिक में आए थे 850। गलत जवाब। ओह नो, 450 आए थे। नहीं, मैट्रिक में 450। मैं रिजल्ट अभी गूगल से करके निकाल लूंगा। 1200236 मेरा रोल नंबर है, निकाल। 1202 36 जी। इन्होंने 1202 36 जो कहा है उससे जो मैंने 450 नंबर इन्हें दिए वो भी मैं घट करके कम करके 200 कर दिया। 400 तो खाली मेरे 9th में है। 450 आपके 9th में है, और दूसरी बार आपको कोरोना ने पास कर दिया। कोरोना ने पास कर दिया तो फिर मैंने सही पकड़ा है ना, फिर 800 नंबर ठोके। ये बच्चा भी बहुत अच्छा है जी, इनके साथ एक और। ये जो बच्चा है ना, इसकी शक्ल बता रही है, इतना को मासूम बच्चा है, और ये 5 वक्ता नमाजी है, और इसका इन शरारती बच्चों दोनों भाइयों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये वैसे इनसे मिलने आया हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा ऊंचा बोल। वालेकुम सलाम। आपकी शक्ल देख के कोई लगता है कि कोई बड़ा बंदा मजबूर हो, दुख हो आपको? क्या दुख है, कोई भाग गई है? शर्मा क्यों रहे हैं? वैसे ही। नहीं वैसे क्यों, ये दोनों भाई शरारती हैं, ठीक है, आप शरारती भी नहीं है, बिल्कुल तनहा, आप भी व्हाट्सएप, बल्कि आप तो व्हाट्सएप भी नहीं इस्तेमाल कर रहे, आप तो कहने में रिचार्ज नहीं खत्म हो जाता। मेरी बात है, चार्जिंग नहीं है। चार्जिंग नहीं है। कितना दुख है आपकी जिंदगी में, कोई शेर सुना दें या कोई गाना सुना दें। आपको कोई शेर या गाना आता है? इसे आते हैं। बड़े भाई को जी शेर भी आता है, गाना भी आता है, इनसे सुनते हैं और फिर आगे चलते हैं जी। कौन सा गाना सुना?
जो आप मेरे लिए गा दें। कोई शेर सुना। शेर भी नहीं, शेर तो मुझे आते ही नहीं, गाना सुना दे। चलें गाना सुना दे। कहीं दूर चले जाए हम, इतना के हमें छू न सके गम, कहीं दूर चले जाए हम, फूलों कलियों से महके हुए इस जंगल में, इस हंसी कास के साहिल पे हमारा घर हो, इसमें भीगी हुई घास पे हम चलते हों, रंग और रूप में डूबा हुआ एक मंजर हो, मैं तुझे प्यार करूं मेरे सनम, तू मुझे प्यार करे मेरे सनम, आके ही दूर चले जाए हम। क्या बात है जी, क्या बात है। और आज सुपर डुपर टैलेंट आज इस पार्क में आया हुआ है। आए आगे चलते हैं और देखते हैं, और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं और कितना टैलेंट निकलता है इधर से। मैं आप एक और टैलेंट से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। इसका नाम है विकी, और ये विकी इतना खूबसूरत गाना गाता है कि दिल खुश हो जाता है। और अब इसे इसका गाना सुनते हैं जी। जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले, सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया, ये टूटे दिल का जहां फिर इतना रुलाया। क्या बात है जी, क्या बात है। इस बच्चे ने बहुत अच्छा गाना गाया, और इस खूबसूरत बच्चे के गाने के साथ ही अब दे मुझे इजाजत। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।